ये जुलूस जो निकाले गए हैं अरबी तारीख के हिसाब से 12 रबीउल अव्वल वो पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बदन में बस्ती नवादा और जोकर से निकाली गई है। और किस मौके से निकाली गई है, ये जन्मदिन पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके से पैदाइश की खुशी में जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है। पानी आता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे निजात प्रोडक्शन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, सभी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे बचपन के दोस्त मुबारकबाद दीजिए, आप भी आसिफ भाई हाँ चैनल को दीजिए, जितने भाई लोग देख रहे हैं आप सभी को हम दोनों आदमी की तरफ से सभी की बहुत बहुत मुबारकबाद, सभी की आमद आमद बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। आज जैसे मना रहे हैं ना, आज हमारे नवादा गाँव से सारे बच्चे बूढ़े जवान नौजवान भी हैं, 12 रबीउल शरीफ की जानी रखी जा लीजिए। आज उस पूरा प्रोग्राम किया रखा गया है, बदल आ रहे हैं, आज हम जा रहे हैं सलाम भाई लेने के लिए, बच्चों के लिए। और यहाँ पर अली खमजा है, अली खमजा है बच्चों के लिए बिस्किट लाने के लिए, किसी लोगों को नाश्ता कराना है बिस्किट और पानी क्या। अभी धूप की शिदत बहुत ज़्यादा है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग जा रहे हैं पहले उन लोगों के लिए बिस्कुट लाते हैं। लाइव बन रही है हमारे वीडियो में, आगे देखिए और आगे थोड़ा ये फाइनली हम लोग सदाम भाई आए थे गाड़ी से, मोटरसाइकिल लिया गया है बच्चों के लिए, बिस्कुट यहाँ देख रहा है और पानी की व्यवस्था अपने गांव से ला रहा है बच्चे सब देखिए। और ये बच्चों में तकसीम किया जाएगा, उन लोगों को नाश्ता कराना है। कौन सा बिस्कुट भाई दिखाइए, बच्चों के लिए क्रीम वाला बिस्कुट बहुत ही अच्छा है। देखिए ये बच्चे भी खाएंगे, थोड़ा सा गला तर हो जाएगा और ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। फाइनली हम लोग देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने बच्चों के लिए नाश्ता का व्यवस्था कर लिया है, पनिया पनिया का भी आ चुका है वहाँ पैकेट, अब ले जा रहा है बच्चों को चौक होते हुए घोष मोड़ पर हमारे नवादा गांव का जुलूस देखिए। छोटे छोटे बच्चे कितने जज्बे के साथ 12 रबीउल शरीफ की मुबारकबाद पेश करते हुए टाउन के बीचों बीच हम लोग अली खमजा देखिए राइडिंग कर रहे हैं पहली बार, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। आसिफ भाई बैठे हुए हैं बच्चों के लिए मिठाई रखते हैं खिलाने के लिए, बच्चों छोटे छोटे बच्चों के लिए पालकी की व्यवस्था किया गया है। देखिए एक एक पालकी है, दो नंबर ये और तीन नंबर ये, और भी गाड़ियां हैं जो बच्चों को यहाँ से रिसीव करने के लिए बच्चों के लिए व्यवस्था किया गया गाड़ी पर। घोष मोड़ पहुंच चुके हैं गोपालगंज टाउन में हॉस्पिटल चौक के पास, देखिए गाड़ी निकालने का काम कर रहे हैं सदाम भाई, राम भाई गाड़ी निकलने का काम कर रहे हैं, ट्रैफिक लग गया है इसलिए हम लोग पहले गाड़ी पास करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अपने जुलूस को रोके हुए हैं। घोष मोड़ से होते हुए जा रहे हैं हॉस्पिटल चौक, जंगलिया मोड़ होते हुए वापस लाइन को तोड़े हुए लाइन लगा लें।
झंडों को लाइन लगा ले। अरे भाई जो छोटे बच्चों को ध्यान दे, छोटे को लाइन लगा ले। सीख की आदत है, झंडों को ला रहे थे। हमारा गांव के बच्चे जो है देखिए झंडा लहराते हुए चल दिए हैं। हॉस्पिटल मोड़ पर घोष मोड़ से होते हुए हम लोग चल दिए हैं। अब यहां से जंगलिया नज़दीक है, जंगलिया टाउन से होते हुए हम लोग जाएंगे आगे। देखिए मेरे फ्रेंड है, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। डीएबी के तरफ जाता है ये रास्ता और ये जंगलिया की तरफ जा रहा है। हॉस्पिटल चौक है ये। जलसा हुआ था, जलसा का वीडियो इस यह प्रोडक्शन की जान साथ देखते हैं। जंगलिया मोड़ है ये, बहुत भीड़ लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम हो गया है बिल्कुल। हम लोग का जुलूस आ रहा है पीछे। यहाँ पर जुलूस में आए बच्चे और लोगों के लिए जंगलिया के लोगों ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। देखिए केला सेब दे रहे हैं लोग सभी को, रास्ते में आते जाते जितने भी लोग हैं उन लोगों को काउंट किया जा रहा है। खाने के लिए नाश्ता करने के लिए व्यवस्था किया गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुबारक दिन है आज। इसी खुशी में जंगलिया मोड़ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरा भतीजा कहाँ है यार, पूरा लूट हो गया केला से।
फसी की तरफ फसी भाई लोग गाड़ी से चलते हैं बाइक में Salam.